नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दरभंगा से उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। दरभंगा से अब आप अपनी टिकट रियाद के लिए भी, सऊदी रियाद के लिए भी आप बुक कर सकते हैं। सीधी एक टिकट आप बुक कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देता हूं कब से दरभंगा से इसकी शुरुआत हो जाएगी। दरभंगा से 8 नवंबर से उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से सीधी उड़ानें होंगी। इसके बाद आप यहां से कनेक्टिंग फ्लाइट एक ही टिकट में बुक कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं दे रहा हूं। दरभंगा से आप सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जानकारी ले सकते हैं। आज ही हरदीप सिंह पुरी, सिविल एविएशन मिनिस्टर, ने एक ट्वीट कर बताया है कि 31 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। तो आइए देखते हैं रियाद संबंधित दरभंगा से सीधी फ्लाइट है, कनेक्टिंग है, कितने समय लगेंगे, क्या किराए होंगे 8 नवंबर के बाद। जैसा कि हम जानते हैं, 8 नवंबर से दरभंगा से उड़ानें शुरू होंगी। 9 नवंबर से आप अपनी टिकट सीधी रियाद के लिए बुक कर सकते हैं, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। दरभंगा से एक ही टिकट पर आप रियाद पहुंच जाएंगे। कनेक्टिंग फ्लाइट मुंबई से मिलेगी। पहले होता था कि अलग अलग टिकट बुक कराने की पड़ती थी या पटना से लेना पड़ता था आपको टिकट। अब एक ही टिकट पर आप बॉम्बे होते हुए रियाद पहुंच जाएंगे। आपकी परेशानी, चिंता की बात घट गई कि अगली प्लेन छूटे या ना छूटे आपकी परेशानी नहीं रहेगी। एयरलाइन की जिम्मेदारी होगी आपको पहुंचाना अगर पहली फ्लाइट लेट हो जाती है। 9 से 20 नवंबर तक टिकट हैं 18,000 के आसपास के। टू एंड फ्रो की बात करेंगे तो लगभग 32 से 33 हज़ार में आप आ जा सकते हैं रियाद से। जी हाँ, रियाद से भी दरभंगा की बुकिंग शुरुआत हो गई है। कुछ एक वेबसाइट पर ये अभी भी बुकिंग नहीं शो कर रही है। स्पाइसजेट की वेबसाइट पे है, एक और वेबसाइट पे अवेलेबल थी। मेक माई ट्रिप पर अभी इंटरनेशनल बुकिंग दरभंगा से नहीं दिखाई दे रही है। पटना से भी टिकटों की कीमत पटना से रियाद की लगभग वही है जो दरभंगा से है। 200 से 300 का अंतर आता है। छठ खत्म होते ही मुंबई जाने वालों की संख्या बढ़ने के कारण रियाद की भी टिकटों की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि मुंबई जाने वालों की संख्या छठ के बाद ज़्यादा होगी तो जाहिर है टिकटों की कीमत भी ज़्यादा होगी। आप देख रहे हैं स्पाइसजेट की वेबसाइट पर ये टिकट की प्राइस दिखाई दे रही है। आपकी सीधी उड़ान नहीं होगी, एक टिकट ज़रूर होगी। एक ही टिकट पर आप पहुँच जाएंगे, बार बार अलग अलग टिकट नहीं लेने पड़ेंगे आपको। इसलिए बोर्डिंग पास एक बार आपको दरभंगा में बनेगा, लगेज आपको रियाद में मिलेगा, इंतज़ार करने पड़ेंगे। अब अगला फ्लाइट आपको जो भी हो स्पाइसजेट का होगा, क्योंकि कनेक्टिंग टिकट आपने स्पाइसजेट का ही लिया है। तो इस तरह से दरभंगा अब अंतर्राष्ट्रीय जगहों से जुटने जा रहा है। दरभंगा के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत समय बचेंगे उन लोगों के, 10 से 15 घंटे उनके बचेंगे वे अगर पटना होके आते थे तो। इस तरह की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। दरभंगा एयरपोर्ट की और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लें। और अगली बुलेटिन में दुबई के बारे में।